नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गार्डनिंग इज माय पैशन के चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में कर लीजिए सबसे पहले वीडियो को वॉच करने के लिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप केले के छिलके से भी खाद बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा खाद होता है पेड़ के ग्रोथ के लिए। उसके सीड्स को मतलब जर्मिनेट कराने के लिए भी इसके खाद का यूज़ कर सकते हैं। और फ्लावरिंग के समय तो उसे बहुत यूज़ करना चाहिए। और जो फल वाले पेड़ होते हैं उसमें तो यूज़ करना ही चाहिए, बहुत अच्छे हैं। हम इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा हम इसे फेंक देते हैं। इसमें बहुत तरह के न्यूट्रिशंस रहते हैं जैसे कार्बन और इसमें फॉस्फोरस भी रहता है और पोटेशियम भी रहता है। इसके हम पतले पतले छिलकों को यूज़ करेंगे। आप इसके बड़े बड़े इस तरह के काट लीजिए और इसमें हल्के नीचे में थोड़ा पल्प बच जाता है उसे भी काट लीजिए। इस तरह से मैंने इसे काटा है। मैं ये दो केले के यूज़ से बना रहा हूँ। आप इसको क्या करना है, आपको इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। तो चलिए पहले हम इस सबको छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब इसे हमें धूप में अच्छे से सुखाना है जब तक एकदम काले ना हो जाए, एकदम सूख ना जाए। तो चलिए इसे हम 2 से 3 दिन सुखा सकते हैं। कई केले 1 दिन में भी हो जाते हैं, वो सन के ऊपर डिपेंड करता है और आपके ऊपर। अभी इसे कितने सनलाइट में रखते हैं। इसको एकदम जब तक इसका एकदम काला नहीं हो जाएगा, एकदम सूख नहीं जाएगा, तब तक हम इसे सुखाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कितना टाइम लगता है सूखने में। एकदम ड्राई करना है गाइस, तो चलिए ड्राई करके देखते हैं। और एक और तरीका है, आप इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, पर डायरेक्ट ना डालें। मैं आप उसको सिर्फ वर्मी कंपोस्ट जब आपका बनता है मतलब तब डालें। अगर आपको पेड़ में ऊपर से डालना है तब इसको सुखा के डालें। तो चलिए पहले हम इसे सुखा लेंगे। गाइस 3 दिन हो चुके हैं केले के छिलकों को एकदम सुखाए हुए। ये देखिए कितनी अच्छी तरह सूख रखा है। ये मैंने काट के सुखाया था और ये बिना काटा हुआ है। देखिए कितनी अच्छी तरह से सूख चुका है। अब हम इसे पेड़ में डाल देंगे। इसको पेड़ में डालने के 2 तरीके हैं गाइस। पहला, इसको आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, और दूसरा, अब इसको हल्का पीस के, पर पीसना ज़रूरी नहीं, हम डायरेक्ट डालेंगे। ये फूल जो इसमें फूल आते हों या फिर जो फल वाला पेड़ है ये उसके लिए बहुत अच्छे हैं। चलिए आपको डाल के दिखाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए जैसे ऐसा मेरे पेड़ है, ये देखिए जैसे मेरे बैंगन का पेड़ है। ये देखिए इसमें बैंगन आ चुका है, तो मैं इसमें थोड़े से डाल दूँगा। ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है। अब क्या होगा, इससे न्यूट्रिशंस मिलेंगे पेड़ को और अच्छी फ्रूटिंग होगी। और आप फ्लावरिंग वाले प्लांट्स में भी डाल सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा है। ये देखिए शिमला मिर्च में मैंने शिमला मिर्च में भी डाल देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए आप सारे फ्रूटिंग वाले उसको भी आप छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए, वरना उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए जैसे ये मेरे भिंडी के हैं, इसमें भी थोड़ा सा डाल देते हैं ऐसे ऐसे। तो ये पेड़ों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, पेड़ों को न्यूट्रिशंस मिलते रहेंगे। ये देखिए ये आप सारे पेड़ों में डाल सकते हैं, शिमला मिर्च मिर्ची जिसमें आपको डालना है। ये देखिए देखिएगा इस कितना अच्छा हुआ है। अगर आपको बैगन का 2G कटिंग में देखना है तो वो मेरे वीडियो में है, ऊपर आई बटन में वीडियो आ रहा है, आप उसमें जाके भी देख सकते हैं। मेरे बैगन का है, इसमें मैंने 2G कटिंग की थी तो उसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अगर आपको कोई सा पेड़ जर्मिनेट करना सीखना है, जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले मैंने टमाटर लगाया था, लौकी ग्रो किया। ये देखिए मैंने लौकी कितनी अच्छी, करेला भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। देखिए लौकी में फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए कितना बढ़िया। ये देखिए मिर्ची भी मैंने सिखाया था। ये देखिए टमाटर हो गया। ये मैंने ग्रो बैग भी डाला था। अगर आपको ये वीडियो भी देखना है तो आई बटन में आ रहा है, आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में भी आ रहा है। ये मैंने पुदीना घर पे ही, जो हम बाज़ार से पुदीना ख़रीद के लाते हैं, उसी से मैंने ये ग्रो किया है। ये देखिए ये तरोई, ये भिंडी के भी। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल में कर लीजिए वीडियो सबसे पहले वॉच करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गार्डनिंग इज माय पैशन। लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सी यू, बाय बाय।